आज जब मैं लंच करने जा रहा था तो मैंने पार्क में एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। मैंने रुककर उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी घर पर एक 22 साल की बीवी है। वो हर सुबह मुझे उठाती है, फिर उठकर मेरे लिए पैनकेक, अंडा पराठा, ताज़ा फल और बेहतरीन चाय बनाती है। मैंने पूछा, ये तो अच्छी बात है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, दोपहर को वो सूप बनाती है और फिर मेरे पसंदीदा बिस्किट्स बनाती है, घर को साफ करती है और फिर असर तक मेरे साथ टीवी देखती है। मैंने कहा, आपको और क्या चाहिए, इसमें रोने की तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा, रात को वो मेरे लिए चिकन बनाती है, शरबत बनाती है और मेरी पसंदीदा मीठी डिश बनाती है, और फिर जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती वो मुझे किताबें पढ़कर सुनाती। मैंने पूछा, तो फिर भला आप क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं ये याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ।